हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अब हो चुकी है सुबह है, सुबह के बज रहे हैं 9:15। तो आपको मैं दिखाती हूँ बारिश। बारिश मतलब इस मौसम में बारिश होने लगी है, इतना ठंडा मौसम हो गया है फिर से कि जैसे सर्दियाँ वापस हो गई हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको गली गली का व्यू कैसा हो रहा है। सच में ऐसा लग रहा है बिल्कुल सर्दियाँ वापस आ गई हैं। तो ये है गैलरी का व्यू, जो कि आधी गीली है आधी सूखी है, क्योंकि ठट्टर पर से पानी आता है यहाँ पर। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, अच्छा हो रहा था, वैसा तो हो ही रहा था, लेकिन साथ के साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों। और देखो गली के बच्चे छाता लेके निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये बारिश ऐसी है कि अगर ठंड लगी ना तो बीमारी पड़ के उठना है, अच्छे से नहीं उठना है। का कैसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर्दियाँ वापस आ गई हूँ। तो और नाश्ते में बनाई है मैंने मैक्रोनी, और जिस जिसको भी मैक्रोनी खानी हो वो आके खा लीजिए। सुबह बनाई थी नाश्ते में मैक्रोनी, कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो मैक्रोनी बना दी थी। इन्होंने बोला मैक्रोनी बना दो, तो ये गई है लवी अपने पापा के साथ, यही पास में ही पार्क था वहाँ पे घूमने। और कितनी शांति है सच में, हरियाली को देख के अपने आप ही मन में एक शांति सी मिलती है, एक सुकून सा। तो कितना अच्छा लग रहा है, सफाई भी कितनी, सफाई तो खैर आगरा में अब हर जगह देखने को मिलेगी। तो ये ऐसे ही घूम रही है जैसे पता नहीं कितनी अच्छी वॉक करना आती है इन पे। तो ये पापा और बेटी घूमने गए थे सुबह सुबह, गए थे ये सुबह 7:30 बजे निकल गए थे। ये तब का वीडियो है, मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये खूब घूमी आराम से, ये बोल रहे थे कि इतना खेली है, इतना खेली बहुत ज़्यादा, इसको खुली जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बच्चे को पसंद होती है खुली जगह, और खेलने के मतलब से बहुत अच्छी जगह एकदम सी, और यहीं पास में ही है बगल में, तो आराम से आ भी जा सकते हैं, जा भी जा सकते हैं। तो कितना घूम रही हैं। गुड मॉर्निंग, आई होप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माई चैनल गौरा धाकरे ऑफिशियल। तो मैं 3 दिन से बोल रही हूँ कि हम मेरे हाथ में लग रहा है रबड़, लवी की चोटी करने जा रही थी तो रबड़ हाथ में थी। तो मैं 3 दिन से बोल रही थी कि हम जाएंगे शॉपिंग करने, शॉपिंग करके, लेकिन कभी बारिश कभी टाइम नहीं। तो आज सुबह मुहूर्त आ ही गया तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और क्या लाती हैं वो आपको दिखाऊंगी। तो सब लोग हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पे असमी, आदि, करिश्मा, मम्मी, पायल, मैं, लवी सब लोग जा रहे थे। पता नहीं कितना खरीद के लाएंगे, यही समझ में नहीं आ रहा था। तो हम सब लोग तैयार हो गए, और निकलते निकलते 1 बज ही जाता है सच में, कितना भी जल्दी कर लें 1 या 12 तो इतनी जल्दी बज जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे बाल भी गीले थे एकदम से, तो मैंने ऐसे एक लचर लगा दिया लिया था, सिर्फ ठंडा मौसम था, बांधा इसीलिए नहीं थी क्योंकि सिर में दर्द होने लगता है मेरी, बस यही प्रॉब्लम है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द बहुत जल्दी होने लगता है। तो यहाँ पर मम्मी भी आ गई हैं, तो अब हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, और आप सब भी चलिए, अगर किसी का मन हो तो चलिए, नहीं तो आप ठंडे मौसम में घर ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोगों को तो लाना था कुछ इसीलिए, और आपको भी लाना हो तो आप भी चलिए। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं घर से मार्केट के लिए जाने के लिए, सिर्फ थोड़ी ही दूर है, पैदल पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ पैदल नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक से एक फोड़ के साड़ियाँ दिखा रहे थे, सच में ऐसा मन कर रहा था कि सब ले लें, लेकिन मुझे नहीं लेनी थी तो मैंने तो एक भी नहीं ली, क्योंकि मैं पहले ही इतनी है मेरे पास, तो मैंने नहीं ली। ये लेने गई थी करिश्मा, इनके पास भी बहुत है लेकिन इनको मन ही करता रहता है साड़ियाँ लेने का, तो ये लेने गई थी। यहाँ पर साड़ियाँ ली थी, वो भी मैं आपको दूसरे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसा हो रहा है ना तो तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी सच में, साड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी और हम लेडीज़ों को तो होता ही है, यहाँ पर दुकान देखी और कितनी भी अच्छी हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें साड़ी दिख जाए सिर्फ देखने का मन करता ही रहता है, करता ही रहता है। लेकिन मुझे लवी के पापा ने मना करके भेजा था कि तुम्हें साड़ियाँ लेनी नहीं है, इतनी सारी रखी हैं तो मैं लेके नहीं आई। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि मैं साड़ी नहीं लेके आई। तो यहाँ पे देखी थी हमने सूट, सूट भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो यहाँ पे कुर्ती ले ली थी सिर्फ, और कुछ नहीं लिया था, और कुर्ती बहुत अच्छी अच्छी थी। तो यहाँ पे पूरे प्लाजो सेट भी थे, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ के थे, अलग अलग नाम होते हैं सूट्स के भी, तो यहाँ पर वो दिखा रहे थे। तो यहाँ पर शॉपिंग हमने बहुत सारी की थी, वीडियो बनाया था,
थोड़ा सा तो यहाँ पे शॉपिंग करते करते लग गई थी, सारे बच्चों को भूख, बच्चों को भी क्या हमको भी लगने लगी थी। तो यहाँ पे हम खाने गए थे कुछ खाने के लिए, और खाना भी हमने बहुत खाया सच में खूब खाया था। यहाँ पे ऊपर है, नीचे भी है रेस्टोरेंट में बैठने की जगह, ऊपर भी है। ऊपर क्या है, शांति सी रहती है बहुत ज़्यादा, नीचे का भीड़ भड़बड़ सा हो रहा था। यहाँ पे चल रही हैं मम्मी, है मम्मी को होती है चलने में प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे चल रही हैं। यहाँ पे देखो पायल, पायल भी मम्मी के साथ ऐसे ही चल रही हैं। तो हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट, और जिस जिसको भी खाना हो वो खा लीजिए। सब बच्चों ने अपनी अलग अलग डिमांड रखी, किसी को तो पिज़्ज़ा खाना था, किसी को केक खाना था चॉकलेट केक, किसी को मैंगो वाली पेप्सी पीनी थी। सच में बच्चे मुझे लगता है पहले से ही घर से डिसाइड करके गए थे चारों पांचों कि हमें खाना क्या क्या है, तो इतना खुश हो रहे थे ये लोग। और इन लोगों की बच्चों की तो आदत ऐसी होती है, ऐसे लगता है जैसे ये कहीं गए नहीं है, ऐसे ही खुश होते हैं। तो यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से इन लोगों ने खाया, सबसे ज़्यादा मज़े इन लोगों के आए, इधर आदि अश्मी। तो यहाँ पे जिस जिसको जो जो पसंद था उन्होंने सब ने सब कुछ लिया, और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। और पता है अच्छा भी लगता है सब लोग एक साथ जाते हैं, अकेले घूमने में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना सब लोग फैमिली मेम्बर जाते हैं। फिर भी यहाँ पर रह गए थे यानी कि मेरे हस्बैंड एंड दीदी और भैया, इतने लोग रह गए थे, और पापा जी। तो वो होती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन वो पर्दा वाला सिस्टम होता है तो नहीं जा पाती हैं, और दुकान का भी बहुत सारा काम होता है तो एक साथ नहीं जा पाती हैं। जितने जा पाते हैं उतने ही बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था सच में बच्चों के साथ, क्या है बच्चों को कुछ देख के माँ बाप अपने आप खुश हो जाते हैं। चाहिए थी पेप्सी, तो बिल्कुल नॉर्मल मंगाई थी क्योंकि बच्चों की वजह से इनको तरी ना हो जाए, और वैसे भी आदि तो वैसे ही बुखार आ रहा था, फिर भी इसको चाहिए थी कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आदि की पसंद से मंगाया गया था पिज़्ज़ा क्योंकि इसको ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने खा पी के चल दिए हैं, अब अपने और भी लेना है कुछ सामान, तो बहुत कुछ लेना था। तो यहाँ पर नीचे आते ही यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं, तो बच्चों को चॉकलेट चाहिए, तो यहाँ पे इन सब के लिए दिलवाई थी अलग अलग पसंद की अपनी अपनी। किसी को फाइव स्टार चाहिए थी, किसी को डेरी मिल्क चाहिए, किसी को किटकैट चाहिए। बच्चों का बड़ा झंझट रहता है सच में, अलग अलग तो चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर राहुल भैया ने बोला मैं इन बच्चों को रख लूँगा, तुम तो ले आओ जितना जो भी शॉपिंग करके आनी है, क्योंकि ये हमें कुछ लेने ही नहीं देते हैं। सिर्फ लवी को मैं लेके आई थी अपने साथ। तो यहाँ पे हमको लेना है कुछ कॉस्मेटिक का सामान एंड पर्स वगैरह, तो वही लेने आए हम यहाँ पे। और सब चीज़ बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। शॉपिंग करने जाओ तो एक चीज़ लेने जाते हैं दो लेके आते हैं, पता नहीं क्यों ये हम लोगों की आदत है, वैसे सबकी होती है, सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमको चाहिए थे थोड़े से नहीं, एक क्लच और एक करिश्मा को लेना था पर्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ थी, तो कंफ्यूज भी हो रहा था कौन सा लें कौन सा नहीं लें। तो यहाँ पे एक फाइनल हो गया था पर्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक लिया था क्लच, यही लिया था सिर्फ, और क्या लिया था यहाँ से, हाँ लिपस्टिक वगैरह ली थी, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो लेते ही हैं कहीं जाते हैं। तो और क्या लिया था, वैसे ही ये सामान लिया था, नेल पॉलिश लिपस्टिक, और भूल गई, तीन चार दिन हुए ना लग गई थी। यहाँ पर फिर मम्मी गई थी करिश्मा को लेना था नोज़ रिंग अपने लिए, तो वो लेके आई थी यहाँ पे अपने लिए इनको, तो यहाँ पे ले लिए है। तो यहाँ पे लेना था कुछ घर का सामान, झाड़ू वाइपर और वैसा सामान। तो यहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर, तो वहाँ से हमने सारा सामान लिया, वहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था। फिर आते आते दिख गई टिक्की वाली जो ठेल होती है वहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, इतनी अच्छी टिक्की बनाते हैं ये वाले भैया,
बहुत अच्छी। तो यहाँ पे हमने सब ने खाई मसक के आराम से, तिक्की मीठी खट्टी जो भी तीखी जितनी भी थी। यहाँ पे लवी पिट भी गई थी क्योंकि लवी रुकती नहीं है, मानती नहीं है, तो यहाँ पे थप्पड़ लग गया था इसको, तो ये रो रही है यहाँ पे बहुत तेज। तो यहाँ पे मम्मी के साथ शॉपिंग करके आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा और अच्छा भी लगा, बच्चों को खूब अच्छा लगा, आदि को भी, आदि ने भी खूब टिक्की खाई, सच में अच्छा लगता है। पर पता है बच्चों के साथ चले तो जाओ, लेकिन इतना भैया हंगामा मचाती हैं। तो अब आ गए हैं घर पे, आ जाओ तो भीतर जाते लगी एंड, क्योंकि अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा परेशान शॉपिंग करते करते। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो ये मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं रोज़ आपसे मिलती रहूँ और आप मुझसे मिलते रहें। तो मिलते हैं आप सभी से कल, और यहाँ पर लड्डू और लवी की हो रही है मस्ती, और लड्डू और लवी के नाम में मैं खुद इतना कन्फ्यूज हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा देखो कि इतना परेशान कर रही है। इसको एक खेल से तो आप सभी से मिलती हूँ कल सुबह, तब तक गुड नाइट बाय।